ये वीडियो अगर कोई लड़की देख रही हो तो उससे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप इस वाले वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लड़कों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि उन्हें हर रोज फेस करनी पड़ती। आज मैं आपको ऐसी 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और फिर आपको इनका सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको इन प्रॉब्लम से कैसे डील करनी है। नंबर 1 प्रॉब्लम है कि जब आप अपने स्कूल में होते होगे या फिर आप अपने कॉलेज में होते होगे तब आपको बोनर आ जाता होगा। अब ये वाली प्रॉब्लम पर्सनली मेरे साथ भी बहुत होती थी जब मेरी टीनेज थी, मुझे भी कहीं पर भी बोनर आ जाता था। और कभी कभी ये चीज कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है, कोई भी बंदा आपके पैंट को देखकर समझ जाता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मैं आज आपको 2 सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसका पहला सॉल्यूशन है कि भाई जब आप अपने कॉलेज में बैठे हो या फिर आप अपने स्कूल में हो तब आपको अचानक से बोनर आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने बोनर को ढक लेना है, आपको अपने बोनर को कवर करने के बाद में आपको टॉयलेट में जाना, उसके बाद में उसे अच्छे से एडजस्ट करना और फिर आपको वापस अपनी क्लास में आ जाना है। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन है भाई कि अगर आप पब्लिक प्लेस में है वहां पर आसपास कोई टॉयलेट वगैरह नहीं है तो उस टाइम पे अगर आपको बोनर आ जाता है तब आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालने हैं, ठीक है, और फिर चलते चलते आपको इसे आराम से एडजस्ट कर लेना है। नंबर 2 प्रॉब्लम है भाई कि स्वेटी बॉल, हमारे अंडर एरिया में स्वेट की प्रॉब्लम। अब ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम हर रोज फेस करते हैं और इसके बारे में किसी और से शेयर भी नहीं करते हैं। ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 सॉल्यूशन दूंगा। पहला सॉल्यूशन होगा कि जो आपके अंडर एरिया के हेयर है आपको उन्हें ट्रिम करके रखना होगा। अब आप लोगों को वीक में एक बार तो अपने अंडर एरिया के हेयर को ट्रिम करना ही करना है, तो जब आपके अंडर एरिया में हेयर नहीं होंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन है भाई कि आप अपने अंडर एरिया में पाउडर को लगा सकते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अंडर एरिया में स्वेटिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाए, आपको इन दोनों चीजों को अप्लाई करना होगा। पहले आपको आपके जो अंडर एरिया के हेयर है आपको उन्हें ट्रिम करा के रखना होगा और दूसरी बात आपको नहाने के बाद में पाउडर लगाना होगा। नंबर 3 प्रॉब्लम है भाई कि लड़की से पहली बार बात करना। अब देखो हमारे यहाँ ना कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है तो भाई ज्यादातर ना हम लोगों को ही पहले बात करने जाना पड़ता है। अब पहली बात तो लड़कों को उसके पास जाने में ही डर लगता है कि भाई उससे कैसे बात करूं, वो क्या बोलेगी, ये और वो, और दूसरी बात उन्हें ये डर लगता है कि कहीं रिजेक्ट ना कर दे, कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं घर पे ना बता दे, मतलब कि उन्हें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। अब इस वजह से वो बात करने नहीं जा पाते हैं और अगर बात करने चले भी जाते हैं तो भाई इतने ज्यादा नर्वस होते हैं कि वो लड़की से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए आप लोगों के पास में बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है भाई प्रैक्टिस। आपको ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करनी है, उन्हें अप्रोच करना है और भाई लड़कियों को अपना दोस्त भी बनाना है। अब इससे होगा क्या ना कि जब आप ज्यादा लड़कियों से बात करोगे, उन्हें अप्रोच करोगे तो भाई आप अंदर से ना खुल जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से भर जाएगा और जो आपको नर्वस वाली फील आती है, रिजेक्शन वाली फील आती है, वो एकदम से कम हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप किसी भी लड़की से इजीली बात कर सकते हैं। नंबर 4 प्रॉब्लम है भाई सिटिंग वॉलेट। ज्यादातर हम लड़के अपने वॉलेट को पीछे वाली पॉकेट में ही रखते हैं, अगर हम लोग कहीं कॉलेज में या फिर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने वॉलेट को कैरी करना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता। तो इसके लिए भी मैं आज आपको 2 सॉल्यूशन देने वाला हूं। पहला सॉल्यूशन होगा भाई कि अगर आप अपने कॉलेज में बैठे हैं या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे को 4 या 5 घंटे इसी टेबल के ऊपर बैठा रहना, तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, अपने वॉलेट को निकालना है और अपने किसी भी टेबल के ऊपर रख देना है अपने सामने। दूसरा सॉल्यूशन है भाई कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में या फिर आप बस में, उस टाइम पे अगर अपनी आप पीछे वाली पॉकेट में अपने वॉलेट को रखते हैं तो पहली बात तो आप उससे काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगे क्योंकि वो एक ही जगह रखा रहेगा, दूसरी बात वहां से आपका वॉलेट चोरी भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या, आपने पीछे से वॉलेट को निकालना है और अपनी आगे वाली पॉकेट में रख लेना है। अब इससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे, पहला तो आपको जो ऑकवर्ड वाली फील आ रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी और दूसरी जो आपका वॉलेट पब्लिक प्लेस में चोरी हो सकता था वहां से भी आपका वॉलेट बच जाएगा। नंबर 5 प्रॉब्लम है भाई कि आपके एक्स्ट्रा हेयर। अब ये प्रॉब्लम भी हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पे हर जगह बाल होते हैं। अब हमारे चेस्ट पर भी बाल आते हैं, हमारे हाथों पर देख लो, हमारे पैरों पर देख लो और भाई किसी किसी के तो पूरी बैक पर भी बाल आ जाते हैं। तो भाई इसके लिए आप लोग अपने हाथ के बालों को आराम से शेव कर सकते हैं, आप अपने पैरों के बालों को भी शेव कर सकते हैं और जो आपके बैक के बाल होते हैं उन्हें आप लोग ट्रिम कर सकते हैं या फिर आप अपनी फैमिली में किसी से बोल सकते हैं जो कि आपके बैक के बाल हैं, उन्हें वो आराम से निकाल देंगे। अब भाई टीनेजर की बात करें तो वो लोग अपनी पैची बियर्ड को लेकर परेशान हैं। अगर आप लोगों को भी पैची बियर्ड की प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके फेस पर कहीं कहीं पर बाल है, कहीं कहीं पर नहीं है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने सारे बालों को क्लीन शेव करा कर रखें, आपके फेस पर जो आधे आधे बाल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब दिखते हैं। तो अगर आपको पैची बियर्ड जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लीन शेव ही रखें। ये
थी कुछ प्रॉब्लम जिसे हम लड़के हर रोज फेस करते हैं और हमें नहीं पता होता है कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।